प्लासी की लड़ाई। आज से ठीक 266 साल पहले लड़े गए इस युद्ध के नतीजों ने हिंदुस्तान की गुलामी का दरवाजा खोल दिया। ये लड़ाई एक नात जुर्बेकार नवाब सिराजुद्दौला और एक शातिर अंग्रेज सैन्य अधिकारी क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में वफादारियों के बिकने की कहानी है, साजिशें हैं और वो गद्दारी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पुख्ता हो गया। 266 साल पुरानी बात कौन करना चाहेगा, लेकिन आज हम क्या बात करेंगे ये तो हमारा गुजरा हुआ कल तय करता है। उस रोज की एक जंग ने और उसी दरमियान हुए कुछ घंटों की एक बारिश ने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय कर दिया और हमें 190 और सालों की गुलामी में धकेल दिया। जंग के लिए हमारा नवाब तो तैयार था, लेकिन नवाबी रंग ढंग में डूबे बंगाल के इस सूबेदार ने कई गलतियां की। उस दिन बारिश को जंग के दौरान ही आना था। दोनों ओर से तोपें गरज रही थीं, बंदूकें चल रही थीं। तभी बादल गरज उठे, तेज वर्षा शुरू हो गई। अंग्रेजों का मैनेजमेंट और हुनर आज नहीं, तब से ही मशहूर था। उन्होंने तुरंत तारपोलिन से अपने गोले बारूद और तोपों को ढक दिया। भीगे गोले और बारूद जंग में भला किस काम के। ब्रिटिश कमांडरों ने तुरंत सतर्कता दिखाई, लेकिन बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ये होशियारी न दिखा सका। तोप के सारे बड़े बड़े गोले भीग कर गोबर हो गए। बारिश थमी, युद्ध एक बार फिर शुरू हुआ। नवाब के सिपाहियों ने जब गोलों को तोप में डालकर चार्ज किया तो सारे फुस। ये घोर लापरवाही थी। अंग्रेजों की तोप आग उगल रही थी, हाहाकार मचा रहा था। नवाब के सैनिक ढेर हो रहे थे। आखिरकार सुबह शुरू हुई ये जंग शाम होने से पहले मुकम्मल हो गई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इस लड़ाई से भागना पड़ा। संख्या में 20 मगर रणनीति और तजुर्बे में 18-19 रहने के कारण बंगाल ये जंग हार गया। दुनिया इस टक्कर को प्लासी की लड़ाई के नाम से जानती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।